टीकमगढ़ में शाम को चांद नजर आते ही लोगों में ईद की खुशी नजर आने लगी। सुबह 7:30 बजे ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के सामने ईद की नमाज अदा कराई और देश में अमन शांति की दुआ की। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आई। प्रशासन का अमला मौजूद रहा और नमाज अदा की गई। SDM CP पटेल, थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पवार, उप निरीक्षक रघुराज सिंह सहित पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा। कोविड की वजह से 2 साल से ईद का त्यौहार नहीं बन पाया। इस बार बच्चों, बुजुर्गों और बड़ों में ईद की खुशी नजर आई। हमारे सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत बधाई। टीकमगढ़ से मनोज खरे के साथ सुबोध पाठक की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से मनोज खरे और सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जो पूरे रमजान मुबारक का महीना गुजरने के बाद ये जो ईद का दिन आया है और अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया कि हम लोगों को फिर से 2 साल के बाद ऐसा मौका आता फरमाया कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के उस रब की इबादत कर सकें। हम उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस दिन की बरकत से हम सभी की तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए और हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व शांति का जो है परचम जो है वो बुलंद फरमाए और हर कोई एक दूसरे के साथ बड़ी ही मोहब्बत के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे। इसलिए कि ये मुल्क जो है हमारा है तो हम लोगों को हर किसी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।